हेलो गाइस, वेलकम टू मोटो मंत्रा मंत्रा फॉर योर मोटो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुंडई की सिस्टर कंपनी किया के बारे में। किया की एक गाड़ी है किया सोनेट, जल्द ही मार्केट को हिट कर सकती है और ये कई बड़ी गाड़ियों को जो इस रेंज के अंदर आती हैं उनको काफ़ी अफेक्ट कर सकती हैं। ये जो गाड़ियाँ हैं वो टाटा नेक्सोन हो सकती है, विटारा ब्रेजा हो सकती है, एक्सयूवी 300 हो सकती है और फोर्ड इको स्पोर्ट्स हो सकती हैं। इस रेंज की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको ये काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकती है। तो आइए आज इसी वीडियो में हम इसी गाड़ी के बारे में बात करते हैं। किया को यदि आपने ध्यान से देखा हो तो सारी की सारी जो गाड़ियां हैं उनके जो नाम हैं, जैसे कि सेल्टोस ले लो, स्पोर्टेजो ले लो, सोर्नेटो ले लो, ये सारे के सारे जो नाम है ना एस से शुरू हो रहे हैं। और मेरे को किया से एक ही सवाल पूछना है कि भाई कोई टोटका वोटका तो नहीं है ना एस के नाम पर, क्योंकि मेरा नाम भी एस से शुरू हो रहा है, कहीं मेरे पे भी टोटका वोटका कर दो। चलो कोई नहीं, अब हम बात करते हैं किया की सोनेट की। यदि हम किया सोनेट की बात करते हैं तो इसका जो कोड नेम सामने आया है, यानी हाल ही में इसकी टेस्टिंग की जा रही थी रोड के ऊपर, तो इसका जो कोड नेम सामने आया है वो किया QYI रखा गया है। कंपनी ने जो ट्रेडमार्क है सोनेट नाम से बहुत जगह पे बुक कर रखा है अलग अलग कंट्रीज के अंदर, और इसी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस जो गाड़ी का नाम है वो किया सोनेट हो सकता है। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो किया सेल्टोस आई थी उसका जो कोड नेम था वो QXI था, तो ऐसे में इसी का ही एक सब कॉम्पैक्ट वर्जन हो सकता है, और इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सब कॉम्पैक्ट SUV होने वाली है जो कि 4 मीटर लेंथ के अंदर आएगी। यदि हम बात करें इस गाड़ी की तो ये जो गाड़ी है वो काफ़ी हद तक हुंडई वेन्यू जैसी होने वाली है, हुंडई वेन्यू के जैसा ही इंजन शेयर करने वाली है, और इसी कारण से इसके अंदर भी आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर डीजल इंजन के साथ में। इन दोनों के अंदर आपको ऑटोमेटिक वेरियंट और मैनुअल वेरियंट देखने को मिल सकता है। बाकी जो इसका लुक सामने है टेस्टिंग के टाइम पर, तो उससे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके एक्सटीरियर की। इसके हेडलैम्प्स के जस्ट नीचे आपको बड़े बड़े फ्रंट लैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में इसका अंदाजा ये भी लग सकता है कि जो किया सोनेट है वो इस गाड़ी को स्पोर्टी लुक देने की तैयारी में भी हो सकती है, और इसी वजह से इसकी जो आपको सामने का फ्रंट लुक है वो टाइगर नोज ग्रिल के साथ में देखने को मिल सकता है। LED हेडलैम्प्स विद टेल लैम्प्स देखने को मिल सकते हैं और 17-inch अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं जो इसको काफी हद तक स्पोर्टी लुक दे सकते हैं, और काफी बड़े अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल सकते हैं। यदि हम इसके इंटीरियर की बात करें तो काफी हद तक किया सेल्टोस की जैसे हो सकता है, और ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि इसके अंदर काफी फीचर्स किया सेल्टोस की जैसे हो सकते हैं, जिनमें से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, पावर विंडो और 8-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में आ सकता है, जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड कनेक्टिविटी के साथ में ये गाड़ी मिल सकती है। तो इसके जो इंटीरियर और एक्सटीरियर लुक की यदि हम बात करते हैं, यदि अंदाजा लगाया जा रहा है तो ये अपने सेगमेंट में सबसे फाड़ू गाड़ी हो सकती है, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो 6 से 12 लाख के प्राइस रेंज के अंदर आने वाली है, और इस प्राइस रेंज के अंदर जो गाड़ी सबसे ज़्यादा धमाका कर रही है उनमें से मारुति की ब्रेजा और टाटा नेक्सोन है, जिनको ये काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि इसकी 12 लाख वाली गाड़ी जो कि 12 लाख से जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है किया सेल्टोस, वो कई गाड़ियों को अफेक्ट कर चुकी है, हुंडई क्रेटा जैसी गाड़ियों को भी अफेक्ट कर चुकी है, और इसी वजह से ये गाड़ी भी काफ़ी हद तक इस मिड रेंज जो इस रेंज के अंदर है वो सबको अफेक्ट कर सकती है। तो यदि आप लेने की सोच रहे हैं ये गाड़ियाँ टाटा नेक्सोन या विटारा ब्रेजा, तो आप अभी थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि ये अपने को जल्द ही मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है और ये गाड़ी काफ़ी फाड़ू भी हो सकती है। तो यही था किया सोनेट के बारे में हमने आपको बताया। आपको क्या लगता है किया सोनेट के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई, क्योंकि आपके अंगूठे की हमें जरूरत है। तो आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई एम सुखिल विद सुरेश, पीस आउट।